Hey everyone, welcome back. चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास वाटर लिली के कुछ बल्ब अवेलेबल हैं, जो कि आपने स्टार्टिंग में कुछ देखे होंगे क्लिप्स, उनमें से एक बल्ब है ये। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम इन्हें कैसे ग्रो करेंगे और फर्टिलाइज़र कैसे करेंगे, कैसे इसका वाटर मेंटेन करेंगे, एल्गी कितनी इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पॉट में लगाना। अब यहाँ पर वाटर लिली के बल्ब बोल सकते हैं, राइजोम बोल सकते हैं, रूट स्टॉक बोल सकते हैं, तीनों ही टर्म इसके ऊपर ईजिली फिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको पॉट के अंदर देनी है चिकनी मिट्टी, जिससे इनकी रूट्स बहुत अच्छे से इसके अंदर फैल जाए। और चिकनी मिट्टी होती है वो पानी में इधर उधर बिखरती भी नहीं है। किसी भी राइजोम या बल्ब लगाने से पहले हमेशा ध्यान रखें, उसका ग्रोइंग पार्ट हमेशा टॉप पर होना चाहिए, जिससे उसको डिफ़िकल्टी नहीं हो ग्रो होने में, लीफ प्रोड्यूस करने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रूट्स नज़र आ रही हैं हमें, तो रूट्स का पार्ट नीचे की तरफ रहेगा और जो पॉइंटेड पार्ट होता है वो ग्रोइंग पार्ट होता है। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एक छोटा बल्ब या फिर राइजोम अवेलेबल है, उससे भी हम ग्रो कर देंगे और ट्राई करेंगे दोनों ही बल्ब इजीली ग्रो हो जाए। चलिए अब सॉइल से कवर कर लेते हैं और हमारे जो डिज़ायर्ड पॉट है उसके अंदर लगा लेते हैं। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो हमारे पिंक कलर के टब के अंदर एक और पॉट नज़र आ रहा है, उसकी कहानी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो एंड तक देखना। अब यहाँ पर हमने अभी हमारे पॉट को रखा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एडजस्ट होने में। जैसे आप देख रहे हैं वाटर बबल आ रहे हैं, तो सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब होगा, सारी एयर बाहर निकलेगी और जो सरफेस पे जो गंदगी है, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, वो धीरे धीरे अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगे या फिर हम वाटर फ्लो के थ्रू उन्हें हटा देंगे। कुछ ही दिनों में दोस्तों हमें रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा छोटी छोटी पत्तियों के साथ, और महीने भर में हमें काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ नज़र आएगी कुछ इस तरह से। और ये काफ़ी अच्छे पैटर्न में है, तो ये ऐसे ही रहेगी तो भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। चलिए इंतज़ार करते हैं फ्लावर बर्ड का। यहाँ पर हमारे वाटर लिली की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसके लिए हमें एक बड़े टब की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर हमने एक ब्लू कलर का टब सेलेक्ट करा है और इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। आफ्टर 2 मंथ हमारा पॉट काफ़ी गंदा हो चुका था, बट इस गंदे पॉट के अंदर भी हमें एक कली नज़र आ गई और यहाँ पर हमारा पहला फ्लावर होने वाला है हमारे राइजोम का, हमारे वाटर लिली का। चलिए पॉट को क्लियर करते हैं और फ्रेश न्यू वाटर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग मांग रहा है, बट यहाँ पर एक छोटी सी कली बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस दे रही है दोस्तों। और यहाँ पर अभी तक हमें फ़िलहाल तो पता नहीं है कौन से कलर की कली है, चलिए इसके खिलने पर ही पता चलेगा। अगर रूट्स की बात करें तो अब यहाँ पर देखें ड्रेनेज होल से काफ़ी ज़्यादा रूट्स बाहर आ चुकी है। यहाँ पर हमारी कली का एकदम क्लियर व्यू नज़र आ रहा है, एकदम सेंटर में से ही कली निकलती है और प्लांट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। साथ में ही दोस्तों हमारा जो छोटा राइजोम था वो भी काफ़ी अच्छे से एक लीफ प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप उसका जवाब ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, हमारे वाटर लिली प्लांट के अंदर कौन से कलर का फ्लावर आएगा। यहाँ पर हमने हमारे वाटर लिली के टब को क्लीन कर लिया है, उसमें वाटर फिल कर रहे हैं और यहाँ पर हमने उसकी रूट्स बिल्कुल भी कट नहीं करी है, क्योंकि दोस्तों हम प्लांट को स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं और हम चाहते हैं हमारे प्लांट के अंदर जल्दी से जल्दी फ्लावर आ जाए। वाटर चेंज करने के बाद एक बार आपको प्लांट को एडजस्ट करना है और सारी की सारी लीफ जो नीचे की तरफ मुड़ चुकी है उनको सीधा करना है, जिससे ये ईजिली सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके और हमें काफ़ी अच्छा सा फ्लावर निकाल के दें। हमारा फ्लावर दोस्तों खिलने के लिए रेडी है, फिलहाल तो ये 2 इंचेस के आसपास पानी के बाहर आ चुका है और काफ़ी खुशी हो रही है मुझे भी। और अगर आपको भी ये अपडेट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए दोस्तों, देखते हैं ये कितनी और दिन लगाता है खिलने में। हमारे फर्स्ट फ्लावर के पीछे ही जस्ट दोस्तों सेकेंड फ्लावर रेडी है खिलने के लिए। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा एक और फ्लावर बल्ब रेडी है बाहर आने के लिए, छोटी सी कली रेडी है।
कली खिलने से पहले चलिए दोस्तों हम चेक कर लेते हैं हम फर्टिलाइज़र किस तरह से देंगे वाटर लिली को, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करें। आपको सबसे पहले कॉटन का कपड़ा लेना है, नियरली 4x6 inches की साइज़ का इनफ होगा। हमें सिंपली एक पोटली बनानी है, उसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करेंगे। सेंटर में आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। उसके बाद हमें एक और एडिशनल फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, DAP, जिससे दोस्तों फ्लावरिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेटर तरीके से आती है किसी भी प्लांट के अंदर और इजीली प्लांट फ्लावरिंग पर आ जाता है। तो 5 to 6 दाने DAP के हम यूज़ करेंगे। चलिए अब इस पोटली को बांध दीजिए और किस तरह से बांधना है आप वीडियो में देख लें। अगर हमें बैक टू बैक फ्लावरिंग चाहिए तो जब फ्लावरिंग सीज़न हो उससे करीब करीब 20 से 25 दिन पहले ही हमें फर्टिलाइज़र देना होगा। अब फर्टिलाइज़र देने का तरीका देख लें, आप एक शार्प टूल लीजिएगा और आपका जो लिली का पॉट होता है उसके एंड पॉइंट पर या फिर एक कोने में आपको उस पोटली को दबाना है और ये आप एवरी 20 days में पोटली चेंज करते रहें, फर्टिलाइज़र की पोटली चेंज करते रहें, जिससे प्लांट सारा चीज़ एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर के थ्रू, रूट्स के थ्रू, और प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अगर वाटर में एल्गी की बात करें तो यहाँ पर वाटर लिली के लिए एल्गी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गुड बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस होते हैं उससे और पानी भी ठंडा रहता है। अब 2 दिन बाद हमारी कली पानी से बाहर आ चुकी है और दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं, हमारी वाटर लिली का पहला फ्लावर किस तरह से नज़र आता है। तो फाइनली हमारा फ्लावर खिल चुका है ब्राइट येलो कलर। दोस्तों हमारे गार्डन में बहुत ही प्यारा लग रहा है ये ब्राइट येलो कलर और काफ़ी हमारे नियर बाय वन कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, बोल रहे हैं कि यार ये कमल का फ्लावर है, बट दोस्तों ये वाटर लिली है जो येलो कलर की है और बहुत ही प्यारी लग रही है। अब दोस्तों अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा हो तो हमारी वाटर लिली के अंदर प्रोपोगेशन स्टार्ट हो चुकी है, मतलब एक से और अधिक बल्ब या फिर राइजोम बन रहे हैं। तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक बहुत ही प्यारा कमेंट करना है, इस फ्लावर से रिलेटेड या फिर इस प्लांट से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड, तो हो सकता है मैं आपको सेलेक्ट कर लूँ और एक फ्री राइजोम गिफ्ट कर दूँ। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एक पूरी लाइफ स्पैन या फिर एक पूरी जर्नी एक बल्ब से राइजोम से लेके एक फ्लावर तक काफ़ी खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, आपके लिए भी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में लाता रहता हूँ। थैंक यू। अगर दोस्तों आपने सोचा है आपको वाटर लिली या लोटस उगाना है, मतलब कोई भी वाटर प्लांट उगाना है, तो उसमें डेफिनेटली आप फिशेस इंक्लूड कर सकते हैं और ये आपके गार्डन में एड टू द ब्यूटी हो जाएगी। हमारे पास ट्रॉपिकल वाटर लिली भी है जिसकी लीफ लिटरली ब्राउन कलर की होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बल्ब तो मेरे पास 4 से 5 हैं। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो मैंने पहले बताया था। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा जो लास्ट पार्ट है वीडियो का। सो कहानी कुछ इस तरह से थी, हमारा एक लोटस का प्लांट है जिसको हमने हमारे वाटर लिली के साथ में ही लगाया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रूट इसने डेवलप कर ली है। हमने लोटस को ग्रो करने का भी वीडियो अपलोड कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं लोटस प्लांट को कैसे ग्रो करना है, तो सेम प्रोसेस होगा दोस्तों, बट यहाँ पर हमने जो पॉट सेलेक्ट करा है ये हमने छोटा पॉट सेलेक्ट करा है। लोटस प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइड पॉट चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों अपने पत्तियों से ही फिर से रूट प्रोड्यूस करता है। मैं आपको आने वाले कुछ और वीडियोज़ में शो करूँगा रिजल्ट के साथ। यहाँ पर अपने लोटस के प्लांट को लीजिएगा और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करीब करीब 1/2 inch के आसपास सॉइल में दबा दीजिएगा। उसका क्राउन बिल्कुल भी हम सॉइल के अंदर नहीं दबाएंगे, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अच्छे हमारे ग्रोथ होती रहेगी। इस तरह से आपको उसे ग्रो करना है। सॉइल हमें सेम चिकनी मिट्टी ही यूज़ करनी है, क्योंकि ये दोस्तों वाटर में ईजिली हिलती बिखरती नहीं है और पॉट के अंदर ईजिली चिपक के रहती है। आपको चिकनी मिट्टी अगर परचेस करनी है तो नर्सरी पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, या फिर आप जो रेड कलर की सॉइल आती है जो रोज़ के अंदर होती है वो वाली सॉइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारे लोटस के प्लांट को उस पॉट में लगा देते हैं जिसमें हमने लिली प्लांट को लगाया था।
आपको आहिस्ते से स्लाइड करना है अपने पॉट को, हल्का सा टिल्ट करके डालेंगे तो एकदम से स्लोली वाटर अंदर नहीं आएगा और पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा।